अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आपका इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिया दवाखाने में। दोस्तों, आज हम आपको धात ज़िरिया नाइट फेल का एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताएंगे। देखिए, जिन नौजवान लड़कों का नाइट फेल होता है, सोते ही सोते उनका वीर्य पात हो जाता है, वीर्य निकल जाता है, शीघ्र पतन की समस्या होती है कुछ लोगों को, टाइमिंग का न मिलना, वो किस वजह से कि पहले उनका वीर्य निकलते निकलते इतना पतला पड़ गया, रुकावट बिल्कुल ख़त्म हो गई। दोस्तों, शीघ्र पतन की समस्या भी तभी होती है, वीर्य का पतलापन हो जाता है, मसाने में गर्मी हो जाती है। अब दोस्तों, अगर नाइट फेल हो रहा है तो नाइट फेल का नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको, धात वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका चिपचिपा पानी जाता है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आएंगे। और दोस्तों, वीर्य गाढ़ा करने का नुस्खा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जा कर के देखिए, इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपका नाइट फेल होता है और आपके दिमाग में ये बात रहती है हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी दवा खानी चाहिए, तो देखिए आपका भाई आपको बता रहा है। उससे पहले आपसे गुजारिश करते हूँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जो कि हमारा आने वाला वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर दवा ऑर्डर किया करें तो टेंशन ना लेना, देखने इस तरह का पैकिंग आता है, आप हमारे दिए गए नंबर पर दवा को ऑर्डर कर सकते हैं और 7 दिन में ऑल इंडिया अपने पास मंगा सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके का पैकिंग चलता है हमारे पास। अब दोस्तों, हम आपको बता रहे थे धात ज़िरिया नाइट फेल का नुस्खा। दोस्तों, अगर तैयार हो सके आपसे तो तैयार करके इस्तेमाल करना, और अगर तैयार ना हो सके तो बेवजह अपना वीर्य बर्बाद मत करना, हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने नाइट फेल धात समस्या की दवा ज़रूर ऑर्डर करें और जल्द से जल्द मंगाकर इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको लेना है बड़ का दूध 50 ग्राम। जी हाँ, दूध की इतनी ताकत होती है, देखिए दूध और दूधों में जो ताकतवर है दूध, वो बड़ का दूध या माँ का दूध, ये दो दूध ऐसे हैं जो जिंदगी बना देते हैं, समझे। इसलिए आपको लेना है बड़ का दूध, कितना, 50 ग्राम, लाजवंती 50 ग्राम, सूखा सिंघाड़ा 50 ग्राम, सूखे सिंघाड़े की गिरी लेनी है, और आपको इसमें सफ़ेद शखर 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, गोंद 50 ग्राम। दोस्तों, इस तरह से आप ये सारी अद्वियात लेने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को खलल कर लेना है, बारीक सफ़ोक तैयार कर लेना। जब इसका पाउडर बन जाए तो इस दवा को एक एक चम्मच सुबह और शाम नहार मुँह गुनगुने गाय के दूध के साथ या फिर ताज़ा पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।